हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मोनिकास किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ाई पनीर। कढ़ाई पनीर आप बटर नान के साथ, लच्छा पराठा के साथ या रोटियों के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए सबसे पहले मैं मसालों को ड्राई रोस्ट करूँगी। मसालों में डालूँगी मैं साबुत धनिया, लौंग, काली मिर्च, लाल मिर्ची साबुत और जीरा। इनको मैं ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। ये मसाले रोस्ट हो चुके हैं। गैस की फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी और इनको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। मसालों को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब मैं इनको दरदरा कूटूंगी। जिस पैन में मैंने मसाले फ्राई किए थे उसी पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। अब मैं इसमें शिमला मिर्च डालूंगी इस तरीके से कटी हुई। इनको मैं हल्का सा सॉटे करूंगी। शिमला मिर्च को हल्का सा 1 से 2 मिनट तक सॉटे करूंगी। एक से दो मिनट हो चुके हैं, शिमला मिर्च सॉटे हो गई है। अब मैं इसमें डालूंगी प्याज। प्याज को भी मैंने इस तरीके से मोटा मोटा कट किया है। प्याज को मैं 1 मिनट तक सॉटे करूंगी। गैस की फ्लेम को मैं मीडियम रखूंगी। प्याज भी सॉटे हो चुका है। अब मैं इसको अलग एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी, इसको एक प्लेट में निकाल लूंगी। अब इसी पैन में मैं पनीर फ्राई करूंगी। पैन में मैंने हल्का सा ऑयल डाला है। अब मैं इसमें पनीर की क्यूब्स डालूंगी। एक साइड पनीर को मैं 1 मिनट तक रखूंगी। मैं इसकी साइड चेंज कर लेती हूँ हल्के हाथों से, जिससे कि पनीर टूटे ना। पनीर हल्का फ्राई हो चुका है। पनीर दोनों साइड से सिक चुका है। अब मैं इसमें प्याज और शिमला मिर्च डालूंगी जो मैंने सॉटे किए थे। अब मैं इसमें डालूंगी भुना मसाला जिसको मैंने दरदरा कूट लिया है। नमक और इसे मिक्स करूंगी हल्के हाथों से। इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसका मसाला रेडी कर देती हूँ। इसको साइड रखूंगी और एक कढ़ाई गैस में रखूंगी। कढ़ाई में डाला मैंने हल्का सा ऑयल। अब मैं इसमें डालूंगी बटर 1 चम्मच। बटर को मेल्ट होने दूंगी। बटर मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 लहसुन की कलियां जिनको मैंने बारीक कट किया है। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। इसमें डालूंगी मैं बारीक कटा हुआ 1 प्याज। प्याज को मैं गोल्डन ब्राउन होने दूंगी। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। अब मैं डालूंगी इसमें 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तुरंत मैं डालूंगी इसमें
एक टमाटर की पूरी, ये मैंने 2 से 3 टमाटर को अच्छे से ग्राइंड किया है। अब मैं डालूंगी इसमें 1/2 चम्मच नमक, क्योंकि नमक हमने पनीर में भी डाला था जब हमने पनीर और प्याज और शिमला मिर्च सौते किया था। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, इन सबको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी और इसको तब तक पकाऊंगी जब तक कि मसाले तेल न छोड़ने लगे। इसको ढक देती हूँ। मसालों ने तेल छोड़ दिया है। अब मैं इसमें जो मैंने मसाला दरदरा कूटा था, थोड़ा मैंने बचा दिया था, उसको ऐड करूंगी और इसको मैं 1 से 2 मिनट पकने दूंगी। मसाले अच्छे से पक चुके हैं, गैस की फ्लेम को एकदम लो कर दूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी 3 से 4 चम्मच क्रीम, इसको अच्छे से मिक्स करूंगी और इसे 1 मिनट तक पकाऊंगी। मैं इसको 1 से 2 मिनट पकाऊंगी। सारी चीज़ें अच्छे से पक चुकी हैं। अब मैं इसमें पनीर, शिमला मिर्च और प्याज डालूंगी जिनको मैंने सौते किया था। इसको अच्छे से मिक्स करूंगी इस तरीके से। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसे 1 मिनट तक पकाऊंगी। अब मैं इसमें 1/2 गिलास पानी डालूंगी। मैं उसी पैन में पानी डालूंगी जिसमें पनीर था, इसको इसमें ऐड कर दूंगी और इसे मिक्स करूंगी और 1 से 2 मिनट पकने दूंगी। ऑलमोस्ट ये कढ़ाई पनीर बनके रेडी है। 1 से 2 मिनट और पकने दूंगी। मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। गर्मा गर्म कढ़ाई पनीर बनके रेडी है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब मैं इसको एक सर्विंग बाउल में निकाल लूँगी। कढ़ाई पनीर बनके रेडी है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।